हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल कोटा राजस्थान के वसीम भाई के लोफ्ट कोटा राजस्थान में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं आपको दिखाऊंगा पूरी चीज़ कि जो एक हमने फॉर्मूला थंबनेल पर लगाया है उसका क्या इलाज है, मतलब सुस्त कबूतर को वो कैसे ठीक करता है और किन बीमारियों में वो काम में आता है। दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले हमारे कबूतर थोड़ा सा आपको दिखाता रहूँगा। सन्नाटा इसलिए है दोस्तों, काफ़ी पिजन सेल हो चुके हैं और कुछ हैं ब्रीडर पेयर भी हैं, कुछ पट्टे भी हैं, तो वो भी सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो वो ले सकता है। ठीक है दोस्तों, सिराजी है, फैंटेल है, अमेरिकन है, और भी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं सेल के लिए। शॉर्ट्स के एपिसोड हम लाते रहते हैं, जैसे शॉर्ट पे हम डालते रहते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे, बताता हूँ आपको कि क्या होता है। असल होता है कि कबूतर जब हम पालते हैं तो 2, 4, 5 कबूतरों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी बीमारी का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे बच्चों में फुंसी का, जैसे चोंच पे और पोटे की जगह पे जो फुंसी होती है वो चीज़ हमें देखने को कम कबूतरों में नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही कबूतरों की संख्या बढ़ती है तो हमें इन चीज़ों का और बड़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसा ना हो, मैं एक बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी है उसका मैं आपको आज सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कबूतर कोई सा सुस्त हो जाता है, दाने नहीं खाता है या दाना खा भी रहा होता है लेकिन पानी पी करके फिर से वो अपनी जगह पर जा करके सुस्त होकर के बैठ जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दाना पानी खा पी करके अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ये मल्टी केज है, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी आपको दिखाया था, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे परिंदों को भी रख सकते हैं जो ऐसा हमें लग रहा है कि ये सुस्त है, इसको ये ठीक नहीं है तबीयत, तो हम इसको अलग रख सकते हैं और इसका इसमें ट्रीटमेंट भी अब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने, अगर आप आपके स्तर से कुछ आता हो आपको तो ठीक है, वरना कुछ जो नए कबूतर पालने वाले हमारे भाई हैं उनको मैं आपको बता दूँ कि कई बार इसमें अगर हम ऐसी बीमारी में ध्यान नहीं देते हैं तो परिंदे के ज़ाया होने का ख़तरा रहता है, ठीक है। तो कई बार ये दूसरे ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, हो भी जाते हैं, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक नहीं होती। तो उसमें से एक ख़ास बीमारी है जो कि हम सभी जानते हैं कि पेट के कीड़े की वजह से भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फेस करने को मिलती है दोस्तों। तो हम इसकी डिवार्मिंग भी कहते हैं, तो डिवार्मिंग के लिए हमें मेडिकल्स से दवाइयाँ भी उपलब्ध होती हैं, तो हमें वो भी कर देना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर करूँगा दोस्तों। डिवार्मिंग कैसे करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो एक हमने वायरबैक कंपनी जो आती है, जिसका वेमराल और ब्रोटोन वगैरह जो आता है, उस तरह का एक ये भी हाईटेक फार्मूला है जो ये लिख रहा है ना इसमें, इंटरनल पैरासाइट्स जो पेट के कीड़े होते हैं अंदर की, उनको ये मारने में काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ है दोस्तों। तो ये वेमराल की तरह ही है, ये वायरबैक कंपनी का, इसको हम लेकर के 100 ml का ये आता है दोस्तों। तो ये लिक्विड है और हम भी इसको लेकर के आए थे, तो हमने इसको पानी में मिलाना है। मैं इसको 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से मिलाऊंगा। अगर आप कोई चाहें तो इसमें शक्कर या गुड़ वगैरह भी मिला सकते हैं, तो हमारे पास ये बाल्टी पानी की रेडी है, हम इसमें मिलाते हैं, इसको ओपन करके, ठीक है, इसमें मिलाते हैं हम। तो हमने ये 20 लीटर पानी है, तो हमने इसमें ये आधी बोतल मिलाया है, अभी ज़्यादा नहीं मिलाया है एकदम से। देखो, हो सकता है कि परिंदे इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, एकदम से पानी नहीं पिलने में आया उनको। तो हमने ये आधी बोतल हमने ये मिलाया है, जो है ना वेयरबैक का हाईटेक, ये हमने आधी बोतल इसमें डाल दिया है। और जब इसको हम डालने के बाद एक और बार से इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़े झाग से बनते हैं दोस्तों। अब हम इस पानी को, जो भी इनके पॉट वगैरह हैं, हम उसमें डालेंगे इनको, इस पानी को पिलाएंगे हम
आज अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर इस बाल्टी में से वापस से वही पानी में से हम इनके पॉट को भर देते हैं। जैसे पॉट जो हैं इनके पानी के प्याले जो होते हैं ना, इनको हम भर देते हैं दोस्तों। इससे देखिए अच्छा स्वस्थ साफ पानी है, हमने वही चीज़ इसमें डाल दी है। कुछ इनके अंदर जो पॉट लगे हुए हैं, मग लगे हुए हैं, उसमें भी हम ये चीज़ हम इनमें डाल देंगे। तो ये पानी को ही पीना है दोस्तों, इसी पानी को हमें पिलाना है। एक दिन दो दिन, लगभग दो दिन तक, कम से कम आपको दो दिन या तीन दिन तक हमें यही पानी पिलाना है। इसको ख़त्म हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, हमें फिर से बदल देना है और फिर से यही पानी को हमें इनके पॉट में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम जो जानते हैं ना कि तीन दिन का जो कोर्स होता है, तो उससे ये इनके पेट के कीड़े मर जाएंगे। या कोई भी बीमारी होती है तो तीन दिन का कोर्स कम से कम कराना है ना। जैसे पावर जिल वगैरह भी देते हैं बहुत से, पैरासीटामोल भी देते हैं, और कई ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी तीन दिन तक हमें देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो इलाज जो है मुकम्मल और कंपलसरी जो ज़रूरी है, वो तीन दिन तक उसको लग जाता है, उसकी बॉडी में तैयार हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक के रूप में वो काम करने लगता है और फिर से रिकवर उसकी बॉडी हो जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ हम तीन दिन तक करेंगे, उसके बाद में क्या होता है हम रिज़ल्ट भी आपको बताएंगे। और मैंने ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट अब आपको हम बाद में बताएंगे, ये चीज़ मैंने पहले यूज़ की हुई है दोस्तों। तो हमारे नए कबूतर पालने वाले भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप निसंकोच ये चीज़ पिला सकते हैं। हाँ, हो सकता है इससे बेटर आपके पास कोई और फॉर्मूला हो, और जो दूसरे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, देखो मैं इतना नहीं समझता, लेकिन जितना समझता हूँ वो चीज़ आपसे मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। कई भाई हमसे फ़ोन करके भी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम भी उनको देते हैं जितना हमें आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है हमें आता नहीं है और कुछ भी लगा दिया उसमें, बता दिया और सामने वाले का परिंदे जाया हुआ है। ऐसे हमारी कोई ऐसा हमारा कोई आपकी भावनाओं को या परिंदों को नुकसान पहुँचे, ऐसा हमारा कोई उम्मीद नहीं होती है। और हम यही इच्छा करते हैं कि आप भी अपने परिंदों को पालें, तो आपके परिंदे अच्छे रहें, फिट रहें, है ना। कोशिश हमारी यही है कि जो भी कबूतर पालने वाले भाई हैं, उसके परिंदे फिट फाट रहें और खूब कबूतर उसके फले फूले, खूब अंडे बच्चों का उसके पास गल्ला लगे, ढेर लगे दोस्तों। जी हाँ, गल्ला लगे, ढेर लगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, शेयर करें अगर अपने दोस्तों में, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर पेट के कीड़े मारने के लिए और भी कोई अच्छी दवाई या कोई भी अलग से मेडिसिन अगर आपको पता हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और हमारे दूसरे भाइयों के लिए भी हम आप बताया करें, ताकि हम भी वो वीडियोस को और भी शेयर करेंगे, और हमारे जो दूसरे कबूतर पालने वाले भाई हैं उनके परिंदे भी सेफ़ रहें, अच्छे से रहें। और एक दो और फॉर्मूले हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे इंशाल्लाह ज़रूर दोस्तों, है ना। जैसे कबूतर ऐसे ही नहीं है कि पेट के कीड़े के लिए ही सुस्त रहे, कबूतर और किसी कारणों से भी, जैसे हल्का बुखार या वोमिटिंग वगैरह भी उसको होती है, तो कई कारण होते हैं जिससे भी कबूतर सुस्त होता है, कई बार सूखे में भी आ जाता है। तो वो चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सब खैर, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे।